भी मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को उनके शहादत दिवस पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सैनिकों को उनकी शहादत दिवस पर याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। 14 फरवरी को अमर शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें देपालपुर के नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रजीत पप्पू यादव एवं अजय आहूजा, गट्टू पहलवान रूपेश यादव, हंसराज धाकर, हिमांशु कुमावत, सोहन सोलंकी, विजय जोशी, सुधांशु सोलंकी आदि मौजूद रहे। कई प्रकार के ऋण होते हैं, जैसे ऋण आता है माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, शिक्षकों का ऋण, धरती माता का ऋण, वैसे एक ऋण और है कि आज हम जो सुकून से सोते हैं हमारे घरों में, चैन की नींद से सोते हैं, नींद के पीछे का कारण हमारे देश के जवान हैं, वो वीर सैनिक हैं जो दिन रात ठंड गर्मी बारिश सर्दी सभी में अपना तन मन लगाकर दिन रात लगाकर 24 घंटे लगाकर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं सीमा पर। वही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं आतंकवादियों से, कई प्रकार के राष्ट्र विरोधी शक्तियों से हमारी सुरक्षा करते ताकि हम सुकून से चैन से सो सके। आज 14 फरवरी जहां देश वैलेंटाइन डे की खुशियों में डूबा पड़ा है, वहीं देपालपुर के युवा साथियों ने जो काम करके दिखाया है शहीदों की स्मृति में, पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी स्मृति में आज यहाँ श्रद्धांजलि दिवस समारोह रखा गया, जहाँ नगर के सभी व्यक्तियों ने जिनके भीतर राष्ट्र प्रेम रहा है पुष्पांजलि समर्पित की और मोमबत्ती प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की। वहीं कुछ बच्चों ने अपनी अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से दी है। इस प्रकार से जो कार्यक्रम हुआ है, वास्तव में हमारा फर्ज कर्तव्य और धर्म है कि हम राष्ट्र हित के प्रति जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हैं उन्हें हम समय समय पर याद कर हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति को जीवंत रख सकें। मेरी उन सभी शहीदों को हृदय से श्रद्धांजलि है। ईश्वर उन्हें भारत माता की और ऐसा देश ऐसा भारतवर्ष हमें बार बार मिले, यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।